विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग दुवाड़ा इलाके के बायोमैक्स फ्यूल्स फैक्ट्री में लगी थी। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि इसे बुझाने में दमकल की 40 गाड़ियों को कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड का कहना है कि पानी की कमी के चलते उन्हें आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कानपुर के विजयनगर इलाके में एक प्रिंटिंग यूनिट में आग से अफरा तफरी फैल गई। आग में झुलसकर एक शख्स की भी मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से दमकल की 7 गाड़ियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अमृतसर के बस स्टैंड के पास बनी IDH मार्केट में बनी 4 मंजिला दुकान में कल आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग की शुरुआत 4th मंजिल से हुई थी और बड़ी तेजी से यह आग नीचे तक फैल गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियों को लगाया गया था, लेकिन आग जब तक काबू में आती तब तक भारी नुकसान हो चुका था। परी अखाड़े की प्रमुख त्रिकाल भवंता ने कल उज्जैन में जिंदा समाधि लेने की कोशिश की। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और साध्वी को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। त्रिकाल भवंता का आरोप है कि उज्जैन सिंहस में अदालत के आदेश के बाद भी शाही स्नान का समय नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उन्हें बाकी अखाड़ों के बराबर सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। भवंता ने धमकी दी है कि अगर उन्हें सुविधाएं ना मिली तो वो समाधि ले लेंगी। इस मामले में सरकार का कहना है कि अखाड़ा परिषद ने परी अखाड़े को मान्यता नहीं दी है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में एक महिला को रेस्क्यू कर 300 फुट ऊंचे टावर से नीचे उतारा गया। महिला BSNL के 300 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ गई थी और टावर के एंटीना को जोर जोर से हिलाने लगी। खबर मिलते ही लोगों की भीड़ वहां लग गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। महिला ने ऐसा क्यों किया इसका पता नहीं चल पाया है। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर एक लड़की टेलीफोन टावर पर चढ़ गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद लड़की को सुरक्षित उतार लिया गया। लड़की का कहना है कि उसके भाई दुर्गा प्रसाद का प्रेम प्रसंग एक पड़ोसी गांव की लड़की से था। बाद में दोनों फरार हो गए और इसे लेकर पुलिस उसे और उसके परिवार वालों को पूछताछ के नाम पर बेवजह परेशान कर रही है। अगस्ता वेस्टलैंड घूसकांड को लेकर आज सत्ताधारी बीजेपी दोनों सदनों में कांग्रेस को घेरेगी। इतावली कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने इस घूसकांड में सीधे सीधे सोनिया गांधी को लपेटने की रणनीति तैयार की है। राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी और लोकसभा में मीनाक्षी लेखी हमले की अगुवाई करेंगे। बीजेपी का कहना है कि इतावली कोर्ट का आदेश कानूनी सबूत है, महज आरोप नहीं। इटली की अदालत ने भारत से VVIP चॉपर डील मामले में अगस्ता वेस्टलैंड के कई अफसरों को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया है। मिलान की अदालत ने अपने आदेश में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल का भी नाम लिया है। फैसले में 4 बार सिग्नोरा गांधी का नाम लिया गया है। सिग्नोरा इटालियन में महिला को कहा जाता है। इसके अलावा इसमें वायुसेना के पूर्व प्रमुख SP त्यागी और उनके परिवार वालों का भी जिक्र है। इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का संपर्क भारत से बदस्तूर बना हुआ है। आज तक के हाथ दाऊद इब्राहिम का कराची स्थित घर पर रजिस्टर्ड 4 फोन नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड लगे हैं। CDR से खुलासा हुआ है कि दाऊद लगभग रोजाना भारत बात करता है और उसके चहेतों की लिस्ट में नामचीन लोग भी हैं। इनमें महाराष्ट्र का एक कद्दावर नेता भी शामिल है। आज तक पर ऑपरेशन शराबबंदी दिखाए जाने के बाद बिहार में एक्शन शुरू हो गया है। नरकटियागंज के कांग्रेस विधायक विनय वर्मा के खिलाफ पटना में 2 FIR दर्ज कर ली गई है। इससे पहले विनय वर्मा के घर पर एक्साइज विभाग ने छापेमारी भी की। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में विनय वर्मा अपने घर पर शराब पिलाने का न्योता देते हुए कैमरे में कैद हुए थे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की अर्जी पर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने और हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका देने का आदेश दिया था। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज होगी। बैठक में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुना जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में केजरीवाल की बड़ी भूमिका को लेकर भी ऐलान हो सकता है। बैठक में कार्यकारिणी में नए सदस्यों का भी चुनाव होगा। इसके अलावा बैठक में राजनीतिक मामलों की समिति भी चुनी जाएगी।
9 फरवरी के कार्यक्रम को लेकर जेएनयू की उच्च स्तरीय जांच कमेटी के फैसले को जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने मानने से इनकार कर दिया है। छात्र नेताओं ने कल जेएनयू में फैसले की प्रति जलाकर अपना विरोध भी जताया। कन्हैया कुमार ने कहा कि कमेटी जातिवादी है। गौरतलब है कि कमेटी ने कन्हैया पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। इसके अलावा उमर खालिद, अनिर्बान समेत कई छात्रों को अलग अलग सजा सुनाई गई थी। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से एक एंटीक चाकू चोरी होने से खलबली मच गई। वारदात सोमवार की है, उस दिन म्यूजियम बंद रहता है। मंगलवार सुबह जब म्यूजियम के कर्मचारी वहां पहुंचे तो शोकेस का शीशा टूटा हुआ था और चाकू वहां से गायब था। यह एंटीक चाकू पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक विदेशी दौरे में बतौर गिफ्ट मिला था। मुंबई के लोकमान्य तिलक नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जीआरपी के जवान रेल मुसाफिरों से वसूली करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। मुसाफिरों की जांच के नाम पर जीआरपी का एक जवान पैसे लेता कैमरे में कैद हुआ। आरोपी जवान ने कुछ मुसाफिरों से मारपीट भी की। पिटाई से एक मुसाफिर के नाक से खून तक बहने लगा। सीसीटीवी तस्वीर सामने आने के बाद कुर्ला जीआईपी से जुड़े 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। फुटेज की अभी जांच जारी है। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी की खुदकुशी में आरोपों में घिरे बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने कल पहली बार चुप्पी तोड़ी। प्रत्यूषा की आत्मा की शांति के लिए मुंबई के माउंट मैरी चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे राहुल ने तमाम आरोपों से इनकार किया। कहा प्रत्यूषा आर्थिक मुश्किलों में थी, वो तनाव में थी, बावजूद इसके वो शादी करने जा रहा था। राहुल के मुताबिक वो खुदकुशी कर लेगी, इसका तो उसे एहसास तक नहीं था। कांग्रेस के पूर्व सांसद नीलेश राणे और 4 अन्य लोगों के खिलाफ ठाणे पुलिस ने मारपीट और अपहरण का मामला दर्ज किया है। चिपलूण के एक कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप सावंत की शिकायत पर नीलेश के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। नीलेश राणे ने आरोपों से इनकार किया है। पटना के पनास होटल में छापा मारकर पुलिस ने 7 बिजनेसमैन गिरफ्तार किए हैं। आरोप है कि ये सभी होटल के कमरे में शराब पी रहे थे। पुलिस ने इनके पास से विदेशी शराब की कई बोतलें भी जब्त की। पकड़े गए सभी कारोबारी मुंबई और गुजरात के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में जेवर की दुकान में 2 महिलाओं ने दिन दहाड़े हाथ की सफाई दिखा दी। इन दोनों ने साई ज्वेलर्स में 5 जोड़ी पायल पर हाथ साफ कर दिया। इनकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने एक गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजते थे। आगरा में एक नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेप के आरोपी को पकड़कर लोगों ने बुरी तरह से पीटा, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के नीमच में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने एक युवक की जमकर धुनाई की। पिटाई के दौरान आरोपी लगातार माफी मांगता रहा, लेकिन लोग उसे लात घूंसों और बेल्ट से पीटते रहे। पिटाई के बाद आरोपी को लोगों ने नीमच कैंट पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मंगलवार रात सीबीआई की टीम ने रतलाम रेल मंडल के एक इंजीनियर को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला दर्ज कर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे सुपर जॉयंट्स ने हार का सिलसिला तोड़ते हुए आईपीएल में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से हरा दिया। सनराइजर्स की टीम पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 118 रन ही बना सकी थी। जवाब में 11वें ओवर में बारिश से खेल रुकने तक पुणे ने 3 विकेट पर 94 रन बना लिए थे। पुणे की जीत में गेंदबाज अशोक डिंडा का अहम योगदान रहा। डिंडा ने 32 रन देकर 3 विकेट लिए और इस प्रदर्शन के लिए वो मैन ऑफ द मैच चुने गए। हैदराबाद से ओपनर शिखर धवन की अर्धशतकीय पारी बेकार गई। धवन ने 53 गेंदों पर 56 रन बनाए। पुणे की जीत में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ का बल्ले से अहम योगदान रहा। स्मिथ 36 गेंदों पर 46 रन बनाकर नाबाद रहे। डुप्लेसी ने 21 गेंदों पर 30 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने पिछले हफ्ते अपना जन्मदिन कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ खेलकर बिताया। मुंबई में एक कार्यक्रम में खुद इसका खुलासा सचिन ने किया। सचिन ने कहा कि मेक अ विश फाउंडेशन के लिए वो कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ खेले और इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर उन्हें अद्भुत संतुष्टि मिली।
सेंसर बोर्ड से सेंसरशिप की ताकत छिन सकती है। सेंसर बोर्ड के कामकाज पर बनाई गई श्याम बेनेगल की कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में CBFC में आमूलचूल बदलाव की सिफारिश की है। इन सुझावों में यू सर्टिफिकेट की फिल्मों में रचनात्मकता की कांटछांट से बचने की सिफारिश की गई है। साथ ही शराब और सिगरेट के दृश्यों पर भी कमेटी ने सरकार को अहम सुझाव दिए हैं। ओलंपिक एम्बेसडर विवाद में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने सलमान खान का समर्थन किया है। मंगलवार के एक इवेंट में ऐश्वर्या ने कहा कि अगर कोई हमारे देश के स्पोर्ट्स, आर्ट्स या म्यूजिक के लिए कुछ काम कर रहा है तो वो अच्छी बात है, इस काम को पहचान दी जानी चाहिए। कंगना कैम्प की तस्वीर के जवाब में अभिनेता ऋतिक रोशन के खेमे ने भी कुछ तस्वीरें जारी की है। ऋतिक के साथ एक तस्वीर जारी कर कंगना के वकील ने ऋतिक के इस दावे को झूठा बताया था कि दोनों के बीच सिर्फ सामाजिक रिश्ते थे। ताज़ा तस्वीरों में ऋतिक कई महिलाओं के साथ उसी पोज में नजर आ रहे हैं जिस तरह कंगना के साथ दिख रहे थे। जानकारों के मुताबिक इन तस्वीरों से ऋतिक खेमा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तस्वीरों के पोज से रिश्तों की गहराई को साबित नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली ने कल वाराणसी के संकट मोचन संगीत समारोह में कार्यक्रम पेश किया। वाराणसी के मशहूर संकट मोचन मंदिर में पिछले करीब 80 सालों से हर साल ये संगीत समारोह होता है। समारोह में हर कलाकार मुफ्त में परफॉर्म करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी बॉलीवुड के तीन खान आमिर, सलमान और शाहरुख खान के साथ काम करना चाहती है। सनी अपनी फिल्म वन नाइट स्टैंड के प्रमोशन के सिलसिले में नागपुर आई थी। उन्होंने कहा कि 6 मई को रिलीज हो रही फिल्म वन नाइट स्टैंड को लेकर उन्हें काफी उम्मीदें हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने फिल्म ट्रैफिक के लिए एक्टर मनोज वाजपेयी को शुभकामनाएं दी हैं। शाहरुख ने कहा कि मनोज वाजपेयी से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। उन्हें उम्मीद है कि 6 मई को रिलीज होने वाली उनकी फिल्म ट्रैफिक हिट होगी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी ने पनामा पेपर लीक्स के मुद्दे पर कराची से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। इमरान ने कहा कि पनामा पेपर लीक में परिवार का नाम आने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। इमरान ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी। वेस्ट बैंक सिटी रमाला में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और जोहानिसबर्ग के मेयर भी मौजूद थे। फरवरी के महीने में गूगल कार और बस में टक्कर के बावजूद गूगल ने दावा किया है कि उसके चालक रहित वाहन हादसों को कम करने में सक्षम है। गूगल के मुताबिक हादसे के बाद उन्होंने 56 टेस्ट व्हीकल को सड़कों से हटा लिया था। इसके बाद कंपनी ने 3,00,000 नए संभव हालात को तैयार कर सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं। 1996 में हिल्सबरो स्टेडियम में भगदड़ से लिवरपूल के 96 फुटबॉल फैंस की मौत के मामले में पुलिस को जिम्मेदार ठहराया गया है। ब्रिटिश जांच में ये फैसला सुनाया गया है। इस जांच रिपोर्ट के बाद यूके क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस आपराधिक आरोप तय करेगी। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।